नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने भी कंफर्म टिकट एप्लीकेशन की मदद से अपनी ट्रेन की टिकट बुक की है, और दोस्तों अगर आप अपनी ट्रेन की टिकट को कैंसिल करना चाहते हो और उसका रिफंड लेना चाहते हो, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने कन्फर्म टिकट एप्लीकेशन की मदद से अपनी ट्रेन की टिकट को कैंसिल करके उसका रिफंड अमाउंट जो है अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो या कन्फर्म टिकट के वॉलेट में ले सकते हो। कन्फर्म टिकट वॉलेट में भी ले सकते हो आप, या जो भी आपने बैंक अकाउंट यूज़ किया या जो भी आपने पेमेंट सोर्स यूज़ किया उसमें जो है अपना रिफंड अमाउंट ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, बता दूं कि कैसे आप कंफर्म टिकट एप्लीकेशन की मदद से अपनी ट्रेन की टिकट को कैंसिल करके अपना रिफंड अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। कंफर्म टिकट एप्लीकेशन की मदद से अपनी ट्रेन की टिकट को कैंसिल करके रिफंड अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में लेने के लिए सबसे पहले आपको जो है कंफर्म टिकट एप्लीकेशन ओपन करना है, उसमें लॉग इन कर लेना है। दोस्तों यहां पे देख सकते हैं मैंने जो ऑलरेडी यहां पे लॉग इन किया हुआ है। दोस्तों यहां पे जो आपको लॉग इन कर लेना है, जो भी मोबाइल नंबर आपको वो डाल के लॉग इन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहां पे आपको कुछ ऑप्शन दिखा देंगे, होम का, वॉलेट का, ट्रिप्स का, प्रोफाइल का, सपोर्ट का। तो ट्रिप्स वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपको आना है, और दोस्तों यहाँ पे जितनी भी आपकी ट्रेन टिकट है जो भी आपने बुक कराई है दोस्तों यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो भी आपको कैंसिल करानी है उस वाले पे आपको क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो आपको यहाँ पे डिटेल्स अपडेट होगा, उसके बाद दोस्तों आपको उसका ट्रेन का पूरा जो है सारी डिटेल आ जाएगी, जैसे PNR नंबर क्या है, बुकिंग आईडी क्या है, डाउनलोड टिकट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, बुक रिटर्न टिकट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे करेंगे, दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखा देंगे, कैंसिल टिकट का, चेंज बोर्डिंग का, रिसेंट टिकट का, फाइल TDR का, तो ये कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिखा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कैंसिल टिकट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। कैंसिल टिकट वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपका एस्टिमेटेड रिफंड अमाउंट आ जाएगा कि कितना रिफंड अमाउंट आपको मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है सारी डिटेल्स आप पढ़ सकते हो कि कितना रिफंड अमाउंट यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे जो IRCTC की कैंसिलेशन फी लगी वो नहीं लगेगी, यहाँ पे ₹0 यहाँ पे जो है यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है अगर आपने इस बुक कराते वक्त अगर आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया था, फ्री कैंसिलेशन वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आपको फ्री कैंसिलेशन में करने पे आपको जो है पूरा का पूरा अमाउंट जो है यहाँ पे रिफंड मिल जाता है। तो दोस्तों मैंने फ्री कैंसिलेशन किया था, तो यहाँ पे मेरे को पूरा अमाउंट यहाँ पे मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखा देगा, कन्फर्म टिकट के वॉलेट में आप ले सकते हो या फिर रिफंड टू पेमेंट सोर्स पर ले सकते हो। तो दोस्तों मैंने गूगल पे के थ्रू किया था, तो मेरा जो बैंक अकाउंट कनेक्टेड है उसी बैंक अकाउंट में मैं लेना चाहता हूँ, तो मैंने रिफंड टू पेमेंट सोर्स पे क्लिक कर दिया। इसके बाद प्रोसीड विद कैंसिलेशन वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों ये बोलेगा गेटिंग डिटेल्स प्लीज़ वेट, तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों ये बोलेगा टिकट कैंसिल सक्सेसफुली, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है एक मैसेज आ चुका है, मैसेज आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा आ रहा है यू विल गेट फुल IRCTC फेयर ऑफ 210, यानी कि ₹210 की मेरी टिकट का अमाउंट था जो कि मेरे को जो है पूरा का पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। देख सकते हैं ₹210 विल बी रिफंडेड इन 7 days, यानी कि 7 दिनों के अंदर अंदर मेरा जो कन्फर्म टिकट की जो टिकट मैंने कैंसिल करी है वो जो पूरा का पूरा अमाउंट है वो मेरे को मेरे बैंक अकाउंट में यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है पूरा का पूरा यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है रिफंड अमाउंट 210, इट विल बी क्रेडिटेड टू योर ओरिजिनल पेमेंट सोर्स अकाउंट, यानी कि दोस्तों अगर आपने पेटीएम से बुक की थी या पेटीएम के थ्रू की थी या फोनपे के थ्रू की थी या गूगल पे के थ्रू की थी या आपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू किया था, नेट बैंकिंग किया था, जो भी आपने पेमेंट सोर्स यूज़ किया था उसी अमाउंट में आपको जो है 7 दिनों के अंदर अंदर आपको रिफंड अमाउंट यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों ओके वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी जो यहाँ पे जो है टाइप कर देते हैं और यहाँ पे रीजन यहाँ पे कहा चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कैंसिल यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है अमाउंट यहाँ पे जो बुक किया था, टिकट बुक किया था और रिफंड कब किया था, रिफंड इनिशिएट हो चुका है यहाँ पे जो 7 days के अंदर अंदर, 7 दिनों के अंदर अंदर जो है रिफंड अमाउंट जो है मेरे बैंक अकाउंट में जो है यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है कन्फर्म टिकट एप्लीकेशन की मदद से अपनी जो ट्रेन टिकट को जो बुक की है उसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई भी आपका समस्या है सुझाव है नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के बोलते रहे हर वहाँ देश मुझे बोले रहा।